आपने कभी केमिस्ट्री में ये सुना कि प्रेशर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? बहुत बार सुना होगा आपने कि गैस का प्रेशर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या आपने कभी ऐसे सुना कि प्रेशर की वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है? कभी 76 की वैल्यू कभी ध्यान से देखी, 76 सेंटीमीटर यूज करता है। अच्छा, अभी शायद आपने नोट नहीं किया हो, आगे से आप नोट करना शुरू कर देंगे। 76 सेंटीमीटर खास बात है। तो जब हम बोलते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है, तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एयर और ये एटमॉस्फेयर है, ये हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। मेरे ऊपर भी लग रहा है, आपके ऊपर भी लग रहा है। वो प्रेशर की वैल्यू कितनी है, अगर कोई कहे कि निकाल लो, आप कैसे निकाल लेंगे? ठीक, ठीक है। तो अब बेसिकली ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, पहला जो साइंटिस्ट था जिसने एटमॉस्फेयर की प्रेशर की वैल्यू को निकाला, उसका नाम था टॉर्सली। टॉर्सली करके बहुत नाम आएगा फिजिक्स में, टॉर्सली ने ये किया, टॉर्सली ने ये किया, क्योंकि अभी आया नहीं था ना, क्योंकि लिक्विड लिक्विड का काम टॉर्सली ने किया है। तो टॉर्सली ने क्या किया, उस जमाने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करके बताया और एक्सपेरिमेंट से करके दिखाया कि देखो इसलिए ऐसा हुआ। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया, और एक जो ऐसा डिवाइस जो प्रेशर को मेजर कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। तो हम क्या करने जा रहे हैं, और लिक्विड जो यूज करते हैं बैरोमीटर में, मरकरी है, तो इसका नाम है मरकरी बैरोमीटर। तो मरकरी बैरोमीटर के अंदर, या सिंपल बैरोमीटर के अंदर, टॉर्सली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने कंटेनर लिया जिसमें मरकरी बिल्कुल फुल डाल दी। तो ये आपकी एक मरकरी है, उसने कहा ठीक है जी, मरकरी का कंटेनर ले लो, ये एक मरकरी का कंटेनर है, और ये बीच में मरकरी डाल दी, ये ऐसी मरकरी है। मरकरी का जो मनिस्कस है, शेप है, वो ना थोड़ी ऊपर को होती है, ऐसी होती है। और मरकरी की खास बात, हम इसकी प्रॉपर्टी भी स्टडी करने वाले हैं, लिक्विड की खास प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। उसमें बताया जाएगा कि मरकरी के अंदर अगर आप अपना हाथ भी डाल देंगे ना, और बाहर निकालेंगे, हाथ गीला नहीं होगा, मरकरी चिपकती नहीं है। आप बीच में जंप भी करेंगे यहाँ तक, क्योंकि मरकरी डेंजरस है, मुंह में नहीं, यहाँ तक, तो बाहर आएंगे आप गीले नहीं होंगे, ठीक है। पानी के अंदर आप गीले हो जाएंगे। सारी गेम इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की गेम है। कैसे? मरकरी मरकरी की इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, मरकरी मरकरी को जोर की पकड़ के रखती है। कंटेनर के अंदर जब मरकरी जाती है, कंटेनर का मॉलिक्यूल मरकरी के मॉलिक्यूल को खींच नहीं पाता, मरकरी मरकरी खींच लेती है, तो वो कंटेनर से चिपकती नहीं है। तो मरकरी मरकरी को खींच के रखती है, आप उल्टा दोगे पूरी मरकरी भाग जाएगी, और कुछ भी, कोई भी पार्टिकल कंटेनर से चिपकेगा ही नहीं। लेकिन पानी के अंदर ऐसा होता नहीं, पानी पानी के मॉलिक्यूल की फोर्स कमजोर है, पानी और कंटेनर की ज्यादा है, इसलिए कंटेनर से चिपक जाता है पानी और वो वेट हो जाता है। चलो, इसका अभी टाइम नहीं आया, पर वैसे बता रहा हूँ कि मरकरी एक लाइट लिक्विड है, हल्का लिक्विड है, उसने यूज़ किया, और मेनिस्कस ऐसा होता है, वो चिपकता नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, उसने क्या किया, एक ट्यूब ली, 1 मीटर लंबी ट्यूब ली, 1 मीटर लंबी ट्यूब में उसने मरकरी फिल कर दी। ट्यूब है, 1 मीटर लंबी है, मरकरी डाल दी, फुल कर दिया। उस ट्यूब को बंद कर दिया यहाँ से, और ट्यूब को उल्टा करके मरकरी के टब में छोड़ दिया। तो ट्यूब कुछ ऐसे आप सोच सकते हैं। तो उसने एक ट्यूब को लिया, और ये एक ट्यूब है, ये री उल्टा करके छोड़ दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, जब उसने ट्यूब को उल्टा छोड़ा, तो बीच में क्या भरी भरी पड़ी थी? मरकरी। अब मरकरी क्या करेगी, ड्यू टू ग्रेविटी अपने वेट को नीचे गिरेगी, और मरकरी नीचे गिरना शुरू कर दिया। मरकरी सिर्फ यहां तक आई थी, यहां तक मरकरी है बस, इसके बाद उसने गिरना बंद कर दिया। यार कमाल की बात, आप सोचो कैसे कैसे, मरकरी है, वेट है, गिरना तो है ही, उसने ट्यूब में रह गई, नीचे गिर नहीं पा रही। अब ग्रेविटी उसका वेट चाहता है वो नीचे गिरे, कुछ तो ऐसा जो गिरने से रोक रहा है उसे। अब ध्यान से देखना, यहां पर साइड पे क्या लग रहा था, एटमोस्फेरिक प्रेशर, यहां लग रहा था एटमोस्फेरिक प्रेशर साइड्स पे, ठीक, मरकरी के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब कोई पॉइंट अगर मैं इमीडिएटली इस मरकरी के नीचे लूं, यहां पर भी क्या लगेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, जहां मर्जी ले लो, एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो मान लो ये पॉइंट ए है, और मान लो ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और मरकरी की जो हाइट है यहां पर उसने मेजर कर ली एच है, वैसे 1 मीटर की ट्यूब है, उसने एच हाइट मेजर कर ली जहां मरकरी रुक गई। जब मरकरी रुकी, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया,
वैक्यूम, क्योंकि एयर तो थी नहीं, मरकरी नीचे आई है, हवा तो बचेगी नहीं, तो यहाँ एयर का प्रेशर क्या होगा अंदर? जीरो, एयर का कोई प्रेशर नहीं इसके अंदर, क्योंकि इसमें एयर है ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर मान लो P ऑफ B है किसी पॉइंट पे, यहाँ पर P ऑफ A है किसी पॉइंट पे। अब होगा क्या इसके अंदर? अब ये होगा, पानी या लिक्विड क्यों मूव करता है? क्योंकि वहाँ पर क्या डेवलप होता है? प्रेशर डिफरेंस। अगर एक एंड का प्रेशर ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, तो वाटर विल मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये रूल है। और अगर प्रेशर सेम होगा तो लिक्विड ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो हुआ क्या, यहां से एटमॉस्फेयर ने दबा दिया मरकरी को, इधर से वेट ने दबा दिया मरकरी को। अब वेट चाहता है कि मरकरी ऐसे भागे, एटमॉस्फेयर को भागने नहीं दे रहा, हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। और यहां का प्रेशर ए पॉइंट का एंड बी पॉइंट का प्रेशर एग्जैक्टली सेम हो गया, तो सेम कर दिया। अब लिक्विड नीचे गिर नहीं पा रहा क्योंकि एटमॉस्फेयर ने बैलेंस किया हुआ है। अब ए पॉइंट का प्रेशर है कितना, पी एटमॉस्फेरिक, पुट कर दिया, ठीक। बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एच रो जी, एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। और एयर का प्रेशर तो ऊपर जीरो है, एयर तो प्रेशर लगाएगी नहीं, तो हाइट एच है, तो हाइट एच है, तो हाइट की वैल्यू उसे मेजर कर ली, H into density of mercury से मल्टीप्लाई करके into G की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ गई। और जब आप यहाँ पे रूम में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये हाइट पता क्या आएगी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी आएगी, स्टैंडर्ड हमेशा ही इतनी आएगी। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम बड़ी आम बात है, आम स्टेटमेंट है। सिर्फ यही नहीं, आप केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत जगह सुनेंगे कि प्रेशर कितना है जी, कहेगा 1 एटमॉस्फेयर, या फिर वो कहेगा 1 एटमॉस्फेयर की जगह 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो वो 1 एटमॉस्फेयर ही होता है। क्योंकि जिसने सुनी हुई है कहानी टॉसली की, वो समझ जाएगा कि टॉसली के एक्सपेरिमेंट से बोल रहा है कि हाइट क्या आएगी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो अगर आप इसमें हाइट को 0.76 मीटर पुट करें, डेंसिटी ऑफ मरकरी को 13.6 इंटू 10 की पावर 3 पुट करें और जी को 9.8 पुट करें, तो मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आएगा वैल्यू पुट करके, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप 10 की पावर 5 यूज करते हैं, ऐसे निकला एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉसली निकाला। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आज के बाद वो हमें बस ये बोल दे कि प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, हमें पता है कि 10 की पावर 5 है, या हमें बोल दे 10 की पावर 5, या बोल दे 1 एटमॉस्फेयर, बात एक ही है। तो कई तरीके से प्रेशर बोलेगा, किसी न्यूमेरिकल में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पता ही इतना है, या फिर सीधा इतना दे देगा, या फिर 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, तीनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो